नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी न्यूज में। सुप्रिया श्रीनीत का बयान आया सामने, बोली सभी खेलों के बड़े पदों पर बीजेपी नेता ही बैठे हैं। हम समर्थन तब भी देने को तैयार थे और आपका बिल्कुल कहना सच है कि न सिर्फ हमारे घटक दल बल्कि एक राजनीतिक रूप से इससे आम सहमति नहीं बन सकी थी तब। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास प्रचंड बहुमत है, आपका मन आता है, आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि लॉ बन जाना चाहिए, आप लॉ ऑर्डिनेंस से बना देते हैं और अध्यादेश से वो पारित होकर कानून बन जाता है। लेकिन मैंने तो आपको फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन तो छोड़ दीजिए, मैंने तो आपको हिंदुस्तान की तमामों स्पोर्ट्स फेडरेशन, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, आर्चरी हो, राइफल हो, मैंने तो आपको सबके नाम गिना दिए और इस सब पर भाजपा के नेता बैठे हुए हैं, तो डिफरेंस क्या है? और पॉलिटिकल सहमति इस पर बननी चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो आज का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, आपकी बात सही है, इस पर डिबेट होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जितनी कम हो अच्छी बात रहेगी, लेकिन आज का डिबेट बहुत बड़ा डिबेट है, ये हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ है, ये ओलंपियंस हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये बाहर आकर कह रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है और इस बात की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस बात से अवगत देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी 1.25 साल से हैं और बृजभूषण सिंह अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि बेशर्मी की और असंवेदनशीलता की कोई हद है सरकार में। आपने अजय मिश्र, नैतिकता कहां है? नैतिक धुरी ये कहती है आपका नाम आया और ऐसे आक्षेप में आया आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन नैतिकता तो सर्वोच्च पद की भी पूछी जाएगी ना। आज जब विनेश फोगाट ने बोला कि मैंने प्रधानमंत्री को अक्टूबर 2021 में इस मामले से अवगत कराया था, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, मोदी जी ने क्या किया? क्यों आंख पर पट्टी डाले वो आज बैठे रहे कि ये खिलाड़ी सड़क पर सार्वजनिक रूप से उतरने को मजबूर हुए हैं और आज कुछ मीटिंग्स करी जा रही हैं। ऐसे ही और भी खास बातें जानने के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज पर।